Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो guys, आज बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, तो पहले तो ताऊजी वाली बाइक से पेट्रोल निकालते हैं और वो डालते हैं। हाँ तो guys डाल दिया है, तो वो गया, वो बस पूछ पूछा दूँगा, अब तो चाय की में जाओ, पूछा दे बंद कर। हाँ तो guys पेट्रोल डाल दिया है, सुबह वाली बात थी, मैं तो शूट कर रहा हूँ। अब अपन करते हैं अपनी जो बाइक है ना उसको लाकर पहुँचा देते, कुछ भी करके। हाँ तो गाइस लॉकअप पहुँच चुके हैं और गाइस अब डलवा रहे हैं पेट्रोल, जो कि गाइस तो फाइनली पेट्रोल डलवा दिया है और अब गाइस चलते हैं घर पर दूध देकर। 6:53 पर गाइस इस तरह मैं पहुँच चुका था, 6:53 पर ना मतलब ना तो वहीं गाइस मैंने वहाँ पर अंकल जी के पास पेट्रोल ख़त्म हुआ था ना वहीं पर ही ना लिया। फिर भाई ताऊ जी इतने नहाया, इतने पापा आ गए, फिर ताऊ जी वाली बाइक से पेट्रोल निकाला डाला और खींच दी गाँव अपने इलाका के लिए। इलाका में पेट्रोल डलवा लिया और फिर 6:53 पर मैं फिक्स पहुँचा अपने घर पर। 6:53 पर फिर मैं नहा धोकर रेडी, मैं ना तो पहले लिया था रेडी होकर फिर पहुँच स्टेट, बट लेट नहीं हुआ। हाँ तो कहे प्याज काट लेते हैं की चाबी ले ली और कहे अब जा रहे हैं। जो अपने अपने काम करने वाले आंटी जी नहीं आई थी तो खेत में वो निकला रहे हैं, मिट्टी को उपड़ा कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता ना, आई डोंट नो। तो कहे उनको छोड़ कर आते हैं। गाय छोड़ दिया आंटी जी को, चलो गाय अब चलते हैं अपने घर पर। अरे जो अपन को ये पहाड़ी दिखी इसके ऊपर चलते हैं यार, जाकर देखते हैं व्यू, देखते हैं एक बार। गाइस यहाँ से बाइक आ सकती है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर बाइक लेके आऊँ तो क्या होगा यार, बताओ गाइस क्या हो सकता है। गाइस बहुत खतरनाक व्यू दिख रहा है यार, ओ भाई कहाँ गए तारों के शहर में। अपनी बाइक तो वहाँ खड़ी है और व्यू देखो गाइस, ओ चलने चले हम तारों के शहर में। तो गाइस जो आवाज लेके कमेंट करके बता देना कि आपके घर यही है क्या। तो गाइस आपकी जो ये मंदिर दिख रहा है ना, ये वाला मंदिर मतलब अंशुन के घर इस मंदिर के पास ही है रहता है, तो आप जानते तो हो नहीं, बट मैं अंशु देख रहा हूँ, ये व्लॉग देख रहा हूँ 100% बता रहा हूँ मैं। तू देखो गाइस, वाह यार चलते हैं यार उस पर चलते हैं, बड़ी वाले मतलब इससे बड़ा है वो, तो उस पर चल के देखते हैं यार क्या गाइस। मतलब मैं मेरा तो नहीं कह सकता, बट यहाँ पर कोई दूसरा बाइक ला सकता है, देखो यहाँ से इस रास्ते कोई बाइक ला सकता है, हिलिंग क्लाइंब में देखा हो तो। देखो भाई देखो गाइस पहाड़ों में आ चुके हैं यार, भाई क्या फीलिंग्स आती हैं। देखा जाए ना तो भाई बहुत ऊपर हूँ मैं, आपको कैसे बताऊँ यार, मतलब बहुत खतरनाक सीन लग रहा है। नहीं मेरे को नहीं मतलब लग रहा है, ऐसे नहीं कि मेरे को डर लग रहा है, नहीं खतरनाक सीन लग रहा है बस ये बात है। इंस्टाग्राम के लिए कुछ फ़ोटो एंड वीडियो तो आपने देख ली होगी, मस्त है, मतलब फीलिंग्स अलग आने लग जाती है यहाँ पर यार, चाहे अपने यहाँ पर ही घूमो आराम से, मस्त मज़ा आए। चलो कहते आप चलते हैं घर पर फिलहाल। वो लोग मतलब मैंने मंगाया था ना तब मैंने बिल्कुल सोच नहीं रखा था कि भाई यार हाँ यहाँ से व्लॉग बनाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है बस रोक लो व्लॉग शूट करने लग जाओ। ये तो है यार, ऐसे ही थोड़ी 198 99 मतलब 200 के 200 के समथिंग वीडियो हो चुकी है अपनी, ऐसे ही थोड़ी हुई है, एक्सपीरियंस हो जाता है यार। अपनी बाइक खड़ी है, कोई आता तो है नहीं इसलिए रास्ते पर खड़ी कर दी, चलते हैं। ऑफ रोडिंग आ गई, ऑफ रोडिंग इतने खतरनाक, थार तो निकल जाए यार, मेरे को लगता है फ्यूचर में थार ही लानी पड़ेगी इस रास्ते के लिए।
घर पर तो आ चुके थे और गाइस अब जा रहे हैं दूध देने के लिए, तो चलते हैं। इनका वही चल रहा है प्ले ट्रेनिंग चल रही है गाइस। देखो खरगोश बाहर निकल जाए, इस गेट को तो कर दे दे क्लोज, इसको बंद कर देते पहले। वाह खरगोश गया। गाइस बाइक निकालने के लिए इधर से उधर पार पार बाइक निकालने के लिए इसको खोलना पड़ा, एंड गाइस ये बंद था इसलिए खोलना पड़ा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके कारण बहुत बड़ा काम भी हो सकता है अगर इसको नहीं अगर अपन खोल के चले जाए तो। गाइज इसको अपन बंद कर देते हैं। एक तो यहाँ से बंद है, एक यहाँ से, एक इसको ऐसे नौका लगाना था, एक यहाँ पर लगा दिया और इसको मोड़ कर यहाँ पर लगा दिया। चलो गाइज चलते हैं, घर पर पहुँच चुके और इनका पसीना देखो भाई, पूरा पसीना से भीग गया। 11 छक्का मारे, कितने बॉल में 11 छक्का मारे हैं अपने, 5 ओवर में 11 छक्के यानी 66 रन ब्रो यार, 30 बॉल में 66 गुड। ओहो मैंने इतने दिन रिवील नहीं किया जो कि ये गाइस ये टॉर्च नहीं है, मतलब ये वाली इसका उजाला बहुत है ना, तो गाइस अपनी जो बाइक वाली लाइट है ना वो बहुत डिम पड़ती है, तो उसकी उसमें लगाने का विचार है। फिर अपन अपनी HF डीलर को अपनी HF एक्स टैक बना देंगे। तो ये है कोई जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लगाएं कैसे लगाएं, ये हम घर पर ही इंस्टॉल करेंगे जो कि अंकल जी करेंगे। इस ब्लॉग की करते हैं एडिटिंग, और पहले ब्लॉग की एडिटिंग कर लेते हैं अपन। ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था यार, लाइट चली गई, पूरा पसीना पसीना हो गया बिकॉज अब तो लाइट आ चुकी है यार। तो गाइज मैं ये बता रहा था ना, अगर किसी के मैंने बार बार बोल दिया कि किसी के घर पर मैं एकदम मतलब ये फैसिलिटी दे रहा हूँ गाइज, बता रहा हूँ मेरे मतलब 100% फ़ायदा है इसमें। कोई भी घर में जानवर पड़े मतलब ऐसे कुछ कुछ जानवर, गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि गांव में थोड़ा सा हरियाली ज़्यादा होती है ना, तो प्रॉब्लम ज़्यादा गांव में होती है। कोई भी जानवर पड़ता है ना मतलब इन इस तरह कोई मतलब वो लग रहा है अपना बल्ब, तो उसमें जानवर पड़ने लग जाते हैं, तो अपन को कुछ नहीं करना। 40 रुपये वाली जो ड्यू आती है, बाकी 60 वाली के नाम नहीं ले रहा, 40 वाली ड्यू, तो उस ड्यू को नीचे से जो तल तल है वो काट लो और वो लगा दो अपने हिसाब से, कितनी साइज़ है बल्ब की उस हिसाब से। अगर कोई भी आ जाए तो मेरे को बोल देना, मैंने देख लिया बिल्कुल नहीं आ रही मेरे। तो खाने में दही एंड अंकल जी की बनाई हुई दाल एंड ताऊ जी की दाल। तो आज खाना वाना सब खा लिया, अब आध पौन घंटे की एडिटिंग और बच रही है, उसको करते हैं कंप्लीट और व्लॉग को करते हैं एंड। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।